अस्सलामुअलैकुम। YouTube पर एक गाना है जिसके बोल कुछ इस तरीके से हैं, बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा। यानी एक बाप अपने बेटी को विदा करते हुए कहता है कि बेटी, तुम्हारा और मेरा जो साथ है वो विदाई तक ही है। अब तुम अपने घर जा रही हो तो बस अब इतना ही साथ है, इसके बाद तुम्हारा मेरा साथ ख़त्म होता है। ये दकियानूसी सोच है ये, क्योंकि एक बेटी का उसके बाप के साथ रिश्ता पूरी ज़िंदगी होता है। वालिद का बेटी के साथ जो रिश्ता होता है वो पूरी ज़िंदगी का होता है, ना कि बस शादी तक का। ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट नहीं है। तो उसी के जवाब में मैंने एक गज़ल लिखी है, एक कविता कह लें, पोयम, जो भी आप कह लें, तो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, वो सुने आप। तो बोल कुछ इस तरीके से हैं, तेरा मेरा साथ है हमेशा 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 हमेशा। एक बाप अपनी बेटी से कहता है, जो मैंने लिखा है, तेरा मेरा साथ है हमेशा 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 हमेशा। बेटी तू रहमत है और जन्नत का है संदेशा, तेरा मेरा साथ है हमेशा 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 हमेशा। अब इसकी कड़ियाँ सुने। इस्लाम ये नहीं कहता बेटी धन है पराया, इस्लाम ये नहीं कहता बेटी धन है पराया। वालिद का दुख तर पर रहता हर दम साया, वालिद का दुख तर पर रहता हर दम साया। बाप की दौलत में बेटी का हिस्सा रब ने बताया, बाप की दौलत में बेटी का हिस्सा रब ने बताया। तेरा मेरा साथ है हमेशा 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 हमेशा। बेटी तू रहमत है और जन्नत का है संदेशा, तेरा मेरा साथ है हमेशा 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 हमेशा। बेटी बन के खुशबू जिसके घर में आई, बेटी बन के खुशबू जिसके घर में आई। बारिश फिर बरकत की अल्लाह ने बरसाई, बारिश फिर बरकत की अल्लाह ने बरसाई। किस्मत वालों को बेटी रब ने तोहफे में थमाया, किस्मत वालों को तोहफे में बेटी रब ने थमाया। तेरा मेरा साथ है हमेशा 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 हमेशा। किस्मत वालों को रब ने, किस्मत वालों को तोहफे में बेटी रब ने थमाया। तेरा मेरा साथ है हमेशा 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 हमेशा। बेटी तू रहमत है और जन्नत का है संदेशा, तेरा मेरा साथ है हमेशा 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 हमेशा। तो ये उसके जवाब में था। जो गलती हुई आप कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ आपने यहाँ गलत लिखा, यहाँ ये, तो बीच में एक लाइन गड़बड़ हुई थी, फिर मैंने उसको सही पढ़ दिया। वो लिखने में हो जाता है, मतलब थोड़ा सा पढ़ने में आगे पीछे कुछ वर्ड हो जाते हैं तो वो ट्यून सही बन नहीं पाती, तो मैंने उसको सही किया लास्ट वाली लाइन को। तो उम्मीद है ये आपको अच्छा लगेगा और उसका जवाब भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।